के समीप एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोदाम से पुलिस व आगरा की ड्रग विभाग की टीम ने अवैध दवाइयां बरामद की है, जिनकी कीमत लाखों रुपए की बताई गई है। मथुरा के थाना गोविंद नगर क्षेत्र के अंतर्गत सरस्वती कुंड स्थित अजय फ्रेट कैरियर्स ट्रांसपोर्ट कंपनी पर पुलिस और आगरा से आई ड्रग विभाग की टीम ने छापेमारी की। ड्रग विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्यवाही से ट्रांसपोर्टर में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। पुलिस ने ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोदाम से दवाइयों की एक बड़ी खेप बरामद की है। छापामार कार्यवाही की जानकारी देते हुए सीओ सिटी वरुण कुमार सिंह ने बताया, काफी दिनों से दवाइयों का इलीगल डायवर्जन की जानकारी मिल रही थी। आगरा की ड्रग विभाग की टीम और पुलिस के द्वारा ये कार्यवाही संयुक्त रूप से की गई है। उन्होंने बताया कि इस कार्यवाही में 3 ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ गोदाम पर छापेमार कार्यवाही की गई और एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सीओ सिटी ने बताया, छापेमारी में 4500 किलो लीटर पदार्थ नारकोटिक्स बरामद हुआ, जिसकी मार्केट में कीमत 80 लाख रुपए आंकी गई है। दवाइयों के इलीगल डायवर्जन से जो भी लोग जुड़े हैं, पुलिस गहनता से जांच में जुटी है। जल्द ही जो बचे हुए लोग हैं उनके ऊपर भी कार्यवाही होगी। अमित अग्रवाल, मथुरा, समाचार 24। देखिए, गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी कि कपिल मलिक ये गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वहाँ पे इलीगल तरीके से जो नारकोटिक श्रेणी की औषधि है वो भंडारित है अवैध तरीके से। सूचना पर पुलिस और ड्रग विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी की गई, जहाँ से मलिक गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी से 50 पेटी बरामद हुई और वहाँ पर जो व्यक्ति मिला उससे पूछताछ पर अजय गुड्स ट्रांसपोर्ट फ्राइट कैरियर ये अग्र वाटिका के पीछे है, वहाँ से बराबर स्थित 2 गोदामों से 100 से 200 पेटी और 100 से 200 पेटी बरामद हुई है। ये अवैध तरीके से फेंसेडिल नाम का एक वो है, कोडिन सिरप है, जिसको ये यहाँ पर उतारा है इलीगल तरीके से और उसको ये दोबारा से पैक करके इसको अवैध तरीके से बनारस या कहीं और भेज रहे हैं। लगभग कितनी कीमत की बताई जा रही है? ये 67 लाख के करीब की है। क्या कार्रवाई की जा रही है आपके द्वारा? इस पैंड डीपीएस के तहत जो है मुकदमा दायर किया जाएगा। कितने लोग हुए गिरफ्तार? अभी 1 लोग हुआ है। देखिए, अभी जो पूछताछ में बताया, अभी तो ये देखो कह रहे हैं कि 1-2 महीने से कर रहे थे, लेकिन संभवतः उम्मीद है कि लंबे समय से कर रहे हों। अभी इस बारे में चूंकि विवेचना जा रही है और पूछताछ जा रही है, अभी कुछ बताया नहीं जा सकता कि आगे क्या पूछताछ में आएगा। जी नहीं, देखिए वो अलग मैटर है, जो कोशी में नकली दवा की फैक्ट्री पर कार्रवाई की थी उसके तार आगरा से जुड़े हुए थे और वो आगरा राजौरा बंधुओं के जो ये नहीं इसमें इस तरह का पहले इस गोदाम से नहीं पकड़ा गया था, पहली दफा पकड़ा जा रहा है। ये देखिए, थाना गोविंद नगर और थाना हाईवे की संयुक्त पुलिस द्वारा और ड्रग इंस्पेक्टर जो मथुरा के हैं, आगरा के हैं, उनके द्वारा संयुक्त रूप से छापेमार कार्रवाई की गई, जिसमें हम लोगों द्वारा कुल 3 जो ट्रांसपोर्टर हैं उनके गोदाम को हम लोगों ने सर्च किया है। सर्च के दौरान वहाँ से हम लोगों को करीब 4500 किलो लीटर अवैध रूप से नारकोटिक्स का पदार्थ हम लोगों को मिला है, जिसकी मार्केट वैल्यू करीब 80 लाख रुपए बताई जा रही है। अब इस क्रम में हम लोगों द्वारा मुकदमा पंजीकृत करके जितने भी दोषी हैं उन सभी लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। कौन कौन ट्रांसपोर्ट रहे अभी इसमें? 2 ट्रांसपोर्ट लोगों के नाम अभी तक क्लियर हो पा रहे हैं, लेकिन हम लोग इसके जो फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं और बैकवर्ड जितने भी लिंकेजेस हैं उसमें हम लोग सब गहराइयों में जा रहे हैं। अभी और तहकीकात की जाएगी, विवेचना की जाएगी, जिन जिन लोगों की इसमें सम्मिलता पाई जाएगी उन सभी लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की ड्रग जो पकड़ी गई है उसको पुलिस की एक बड़ी सफलता है, माना जा सकता है? बिल्कुल ये बहुत ही बड़ी सफलता है और ड्रग इंस्पेक्टर और पुलिस की ये दोनों लोगों की बहुत ही अच्छी सफलता मानी गई।